अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, आई एम वेरी श्योर आपसे बहुत बारी पूछा गया होगा, बेटा आगे क्या करना है, क्या सोचा है खुद के बारे में। मामा मामी, बुआ चाचा चाची, दे कम अप विद सो मेनी सजेशंस। सीए कर लो, आर्किटेक्चर कर लो, डॉक्टर बन जाओ। इफ यू हैव गॉन थ्रू ऑल दीज क्वेश्चंस, देन टुडेज वीडियो इज श्योरली फॉर यू। बिफोर दैट, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक एंड द सब्सक्राइब बटन। Hey all, I am Manmeet Sawhney, a child psychologist and a career counselor. ये जो suggestions हैं, ये आपको as an individual समझकर नहीं दिए जाते हैं। These are some common suggestions, या यूँ कहिए कि कुछ myths हैं, जिसका सामना हर बच्चे को करना पड़ता है, without realizing that each child has some specific potential in himself. आज का वीडियो एंड तक देखिए और खुद को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि कहीं आप भी इन्हीं मेंटल ब्लॉक्स का शिकार तो नहीं हो रहे। ओनली आई डू नॉट नो व्हाट टू स्टडी, विच स्ट्रीम टू सेलेक्ट। ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट पासेस थ्रू सच अ डिलेमा एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स चूज देयर स्ट्रीम्स ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन which they get from their family and friends. India में stream selection का बहुत easy criteria है। Highest marks sciences, कम marks आ गए तो humanities, और अगर ठीक ठीक आ गए तो commerce। As if science वाले are kings and queens, commerce वाले are ministers, and humanities का क्या है, वो तो कोई भी कर सकता है। सबने देखी, लाइक की, अप्रिशिएट की, बट उससे लर्निंग क्या ली। अगर आप 90% वाले बच्चे भी हैं और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो शायद आप वहां कामयाब नहीं हो सकेंगे। बिकॉज स्ट्रीम सिलेक्शन हैज टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द सब्जेक्ट्स व्हिच यू लव एंड नॉट ऑन द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स व्हिच यू गेट इन योर बोर्ड एग्जाम्स। एक बहुत कॉमन माइंडसेट है कि जितनी भी हाईली पेड जॉब्स हैं वो आईआईटी के स्टूडेंट्स को जाती हैं। इसमें हमारे मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। आईआईटीज के 1 करोड़ प्लस पैकेज के बारे में तो बताया जाता है, बट कितने परसेंट बच्चों को ये पैकेज मिलता है ये नहीं बताया जाता। डू यू नो दैट आउट ऑफ ऑल द आईआईटीज नॉट इवन 0.25% ऑफ द स्टूडेंट्स गेट दिस पैकेज। सोसाइटी देखी है जहां पर सिर्फ डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स ही हो। फॉर अ हेल्दी सोसाइटी वी रिक्वायर पीपल फ्रॉम ऑल स्ट्रीम्स ऑफ लाइफ, जर्नलिज्म, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, टीचर्स एंड व्हाट नॉट। सो चूज योर करियर बेस्ड ऑन योर पोटेंशियल एंड योर इंटरेस्ट। आई शुड चूज एन ऑक्यूपेशन विच इज इन डिमांड, और मैं जैसे ही पढ़ाई खत्म करूं मुझे जॉब ऑफर हो जाए। सीधी सी बात है, बिफोर यू एंटर द वर्ल्ड ऑफ वर्क यू विल बी स्पेंडिंग एटलीस्ट 5 to 6 years स्टडिंग, एंड द वर्ल्ड ऑफ वर्क इज चेंजिंग सो ड्रामेटिकली, सो ड्रास्टिकली दैट इट इज नॉट इजी टू प्रेडिक्ट व्हाट विल बी इन डिमांड आफ्टर 5 to 6 years। All the students who pursue non-medical only have the option of JE. इसी सोच का फायदा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले उठाते हैं। एक एवरेज बच्चे का सोचिए जिसने अंडर पेरेंटल प्रेशर नॉन मेडिकल ले तो लिया है, उसकी क्या कंडीशन है। वो क्लास 12th और कॉम्पिटिशन के सिलेबस में बहुत पिछड़ जाता है। देर आर सो मेनी अदर करियर्स अवेलेबल, द ओनली थिंग इज यू हैव टू लुक फॉर देम, यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। ऑडियोलॉजी, नॉटिकल साइंसेस, मर्चेंट नेवी, एनडीए, देर आर सो मेनी ऑफ देम। जो बच्चे कॉमर्स में जाते हैं उनके लिए कहा जाता है विदाउट मैथ्स, ना ना यू डोंट हैव अ ब्राइट करियर।
courses which do not require maths. BBA, Management, CA, Law, Accountancy and so many. After doing 10th, entering 11th and 12th is the only option. There are many ITIs, polytechnics, which offer courses after class 10th. Or agar aap ye 3 saal ka course karte hain, you get admission into engineering in the second year. So you have to keep your mind open to different alternatives which are available to you. So keep searching. So students, share this video with your parents and with your friends and choose your streams very wisely and carefully. If you have any queries, you can mention them in the comment section below. Stay connected.